नमस्कार, परफेक्ट भेड़ी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ गाजर और मूली का मिर्च का मिक्स अचार बनाना। ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 2 दिन में ही आप इसको खाना शुरू कर सकते हैं और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। तो चलिए, मैंने इसके लिए ली है 1/2 किलो गाजर और 1/2 किलो मूली। ये मैंने धोकर सुखा ली हैं, अब इनको छील कर इसके पीसेस करेंगे। ये देखिए, अब हमने छील लिए हैं ये सब, इनको छील कर मैंने, और ये ऐसे पीसेस मैंने काट लिया है। मिर्चों को 2 हिस्सों में काट के मैंने ये तैयार कर लिए। अब इसके 4 पीस करेंगे हम। ये देखिए, हम मूली को और गाजर को ऐसे छोटे पीसेस में काट लेंगे। देखिए, ये कट के हमारे, हमने ये सब ऐसे काट लें, गाजर मूली और हमारा मिर्ची है। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले और नमक। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 2 बड़े चम्मच नमक, और अब डालेंगे हम इसमें राई पिसी हुई, ये भी हम 2 चम्मच डालेंगे, और डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च 1 चम्मच, और डालेंगे 1/2 चम्मच हम ये पिसी हुई हल्दी, और 1/2 चम्मच डालेंगे हम काला नमक, और ये डालेंगे हम 2 चम्मच तेल जो हमने जिसमें हींग डालकर गरम करके ठंडा कर लिया है, ये सरसों का तेल। बस इसमें हम ये थोड़ी सी चीज़ें डालने से, और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अचार को। ये अचार हमारा तैयार है थोड़े से मसालों में ही, और अब ये राही की वजह से खट्टा हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। इनको अच्छी तरह जब हम मिक्स करके डिब्बे में भर देंगे, ये पानी छोड़ देता है, और फिर ये 3 दिन में हमारे खाने लायक हो जाता है अचार। ये देखिए, हमारा मिल गया। इसमें बहुत मसाले नहीं डालते क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लगता है अचार। ये ताज़ा अचार भी आप इसे अगर रखना भी चाहें तो 1 साल तक भी ख़राब नहीं होता, लेकिन इसका कलर चेंज हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है, इसलिए। बस अब ये मिक्स हो गया, और अब हम इसको ऐसे डिब्बे में भर के रख देते हैं। ऐसे हम डिब्बे में भर कर रख देंगे इसको। अब ये 2 से 3 दिन में ये हमारा अचार तैयार हो जाएगा। ये धूप में रख देंगे तो 2 दिन में ही, वरना ये अंदर रख के भी हमारा अचार खाने योग्य हो जाएगा। खाएं इसको और टेस्ट करें कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में मेरे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।